बात करें विगतवार समाचारों ने तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आगामी जान्युआरी 2024 ने जान्युआरी तेमज योजानारी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ना पूर्वाध्यय रूपे नवी दिल्ली में 13 जेटला अग्रणी अधिकारों तेमज रोकाणकारों साथे बैठक करी। वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी बे दशक पहला वावेल वाइब्रंट समिट नु बीज विशाल वटवृक्ष बन्यु छे। त्यारे विकसित भारत 2047 ना वडाप्रधान ना विजन गेटवे टुगेदर तेमज फ्यूचर नी थीम साथे वाइब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट नी 10मी कड़ी साकार करशे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले स्पष्टपणे कह्युं के जे वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी बे दशक पहला गुजरात नी क्षमता तकोने तेमज विश्व समक्ष प्रस्तुत करी नवा उद्योगो नवी टेक्नोलॉजी तेमज रोजगार अवसर उभा करवा शुरू करावेली वाइब्रेंट गुजरात समिट थी गुजरात डेवलपमेंट्स ना रोल मॉडल तरीके प्रस्थापित थई गयु छे। मुख्यमंत्री 2024 ना जान्युआरी महीना में योजनारी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट नी 10वीं एडिशन ना संदर्भ में देश नी राजधानी नवी दिल्ली में अग्रणी उद्योग संचालकों रोकाणकारों साथे योजायेली कट एंड रेजर मीट में संबोधन करी रह्या हता। नाणा तेमज ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जरदोश तेमज डॉक्टर महेंद्र मंजूरापुरा तेमज साथे ज गुजरात ना उद्योग मंत्री बळवंतसिंह राजपूत तेमज राज्य मंत्री हर्ष संघवी सहित राज्य सरकार ना वरिष्ठ सचिवों आ बैठक में सहभागी थया हता। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले अवसरे कह्यु के वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी हमेशा समय थी एक कदम आगळ विचारनार विजनरी लीडर छे। 2003 માં જ્યારે કોઈને આવી બિઝનેસ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના સમિટનો વિચાર પણ નહોતો આવ્યો ત્યારે એમણે એક પૃથ્વી તેમજ એક પરિવાર અને એક ભવિષ્યની ભાવના સાથે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત તેમજ વાઇબ્રન્ટ સમિટનો વિચાર બીજ રોપ્યો હતો। उद्घाटन अवसर पर हेड्स ऑफ स्टेट, दूसरे देशों के मिनिस्टर्स और सीनियर डिग्निटरीज, ग्लोबल सीईओ और थॉट लीडर्स की भी उपस्थिति रहेगी। फ्रेंड्स, आप सभी भारत के इस अमृत काल के गौरव साक्षी हैं। इस अमृत काल में हो रहे गुजरात के निरंतर विकास और डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस से भारत की विकास यात्रा को भी काफी गति मिल रही है। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण समय में हमने 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम भी गेटवे टू द फ्यूचर रखी है, जो प्रधानमंत्री जी के विकास भारत विकसित भारत एंड 2047 के विजन को आगे लेकर जाएगा। प्रोएक्टिव पॉलिसी लेड अप्रोच, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड और मजबूत इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण गुजरात पिछले 2 दशक से इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन रहा और उज्जवल भविष्य के निर्माण का प्रवेश द्वार, मतलब कि गेटवे टू द फ्यूचर बनने को संपूर्ण सज्ज है। प्रधानमंत्री जी के एक और संकल्प भारत को नेट जीरो इकोनॉमी बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप गुजरात ने भी कई इनिशिएटिव शुरू किए हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 20 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो भारत के टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का 15% है। साथ ही हम कच्छ में वर्ल्ड से सबसे बड़े हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को भी डेवलप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने अपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भी 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने का लक्ष्य रखा है। विंड, सोलर और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आधारित रिन्यूएबल जनरेशन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हमने गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लॉन्च की है। फ्रेंड्स, गुजरात अपने फ्यूचर रेडी मेगा प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी, धोलेरा एसएआईआर, ग्रीन सिटी, ग्रीन फील्ड पॉर्ट, एलएनजी टर्मिनल और अहमदाबाद मुंबई के बीच बन रही हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के विकास भारत के विजन को साकार करने के लिए प्रस्तावित है।
गुजरात के गांधीनगर में संचालित गिफ्ट सिटी भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है, जहां भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर और इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कार्यरत है। गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट लीजिंग, फाइनेंसिंग और फिनटेक हब जैसे कई उभरते अवसर भी विकसित हो रहे हैं। 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ धौलेरा एसआईआर गुजरात का ऐसा ही एक दूसरा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रीजन और पहली ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर आज देश में काफी चर्चा हो रही है और गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। सेमीकंडक्टर सेक्टर और डिस्प्ले लैब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में गुजरात ने स्वयं को स्थापित कर लिया है। माइक्रोन सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की पहली और सबसे बड़ी निवेश कंपनी है, जिसने हाल ही में गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है। आगामी वाइब्रेंट समिट में सेमीकंडक्टर सेक्टर, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्री 4.0 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किए जाएंगे। ये सभी उन इन्वेस्टमेंट को सुनहरा अवसर प्रदान करेगा, जो विकास की अपार संभावनाओं के लिए गुजरात के साथ जुड़ना चाहते हैं। आइए एक बार फिर गुजरात की इस विकास यात्रा को एक नई ऊंचाई देने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के विजनरी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम सभी एक साथ आएंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको गुजरात में व्यापार और उद्योग को लेकर राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वाइब्रेंट गुजरात के इस समिट में हम साथ मिलकर सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ से युक्त इकोसिस्टम का निर्माण करने में सफल रहेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय।